अब हम ट्राई करेंगे ये मंगोलियन सूप। लाइफ में फर्स्ट टाइम मंगोलियन सूप ट्राई कर रहा हूँ, तो लेट्स गो। बाय। मैनेजर किधर है? क्या बोला ना मैनेजर को? ना अरे रोलिंग चल रहा है। अरे कैमरा साइड में मैनेजर को बोला। क्या हो गया? मैंने तो बोला। अरे बुला रहे आप, क्या हो गया? ये क्या बनाया है? तो अब बजे शाम के 5:40 यानी 5:40 और सनसेट होने को है। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है ये नेस्को कंपाउंड, नेस्को की बिल्डिंग है और पीछे साइड सनसेट हो रहा है। अभी पूरा 180 फिर नहीं सकता, तो आप मिरर में देख के समझ गए रहोगे। होप सो मिरर में आपको दिख रहा रहेगा, सनसेट काफी ब्यूटीफुल है। ओ दिख रहा है, एक होटल है वहां पर आज हमें दावत है खाने की, थोड़ा खा पा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रथमेश को उठाना है उसके ऑफिस के इधर से और साथ में ज्वाइन करेंगे योगा। आज का प्लान था कि बस एक दावत मिली एक होटल के अंदर। होटल का नाम है साई प्रसाद और यहाँ का कबाब स्ट्रीट ना, कबाब स्ट्रीट। ओके, तो साथ में मेरे है योगा, इसको तो मैंने बाइक से उठा के लेके आ गया। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें इस बात की मिली कि यहाँ के एक हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर बोलेंगे, उन्होंने ब्लॉग देखा तो उन्होंने इन्विटेशन दिया कि आओ थोड़ा हमारे हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं उर्दू के लफ्ज। तो मिला था आपको ओनर से जिन्होंने हमें इनवाइट किया। तो आज का मस्त प्लान डिनर का यहाँ पे ही है, मस्त कबाब भी तोड़ेंगे और आपको भी रिव्यू देंगे। बाय द वे होटल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोगेश्वरी के पास में ही है, एकदम टच करके ही है, हाईवे टच है। तो कभी आप जोगेश्वरी के पास हो ये ब्लॉग को पूरा देखना, रिव्यू मिलेगा सब फूड का और डू यहाँ पे आके ट्राई करना। और कुछ अपने लिए सब्सक्राइबर के लिए है कि नहीं कुछ? हाँ सब्सक्राइबर के लिए है, तो वेट टिल द एंड टू सी व्हाट्स इन फॉर यू इन दिस वीडियो। तब तक एंजॉय सिनेमैटिक। ऑल राइट, तो दावत की शुरुआत हो रही है माउंटेन चिकन चिली और वेज कढ़ाई के साथ। साथ में ओनर भी हमारे साथ ज्वाइन किए शाम के डिनर को। और बाय द वे ओनर तो राहुल जी अवेलेबल होते नहीं, आप यहाँ पे आओगे तो वो अपने काम से बिजी होते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का जो ध्यान रखते हैं वो है मिस्टर उदय फ्रॉम साई प्रसाद। वी एट साई प्रसाद मीट द गेस्ट, ग्रीट द गेस्ट एंड ट्रीट द गेस्ट इन अ डिफरेंट स्टाइल। एंड माय ओनर्स हैव ऑलवेज टोल्ड मी If you want to enter a person's heart, it is only through his stomach. ये मैंने भी सुना हो। इंसान के दिल का रास्ता इंसान के पेट से होता है। पेट से होता है। और हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। डिनर का माहौल बन गया है। तो टॉप स्पाइस क्या? टॉप स्पेशलिटी आपकी? यस सर। दिस इज माउंटेन चिकन चिली। दिस इज वेज कढ़ाई। यू हैव विद रोटी, नान, पराठा, व्हाटएवर यू वांट। माय गॉड। Before that, soup, okay. Which is Mongolian soup, you'll get it in veg and non-veg. And as per my owner's instructions, I've started the kebab and soup. Okay. तो आज का डिनर के टेबल पे जो भी स्पेशलिटी है वो सर्व हो रही है, ये इधर की स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे आओगे तो पहले ये ट्राई करो और बाकी आपकी फेवरेट डिशेज भी ट्राई करो। और you can try some South Indian delicacies like सूखा चिकन, सूखा मटन, सुरमई तवा फ्राई। खाने को यानी बहुत कुछ है यहाँ पे, खाली आप आ जाओ। ऐसे ही पेट भर गया। तो अब मैं पहले ट्राई करूँगा माउंटेन चिकन चिली। दिखने में काफ़ी क्रिस्पी और
सूप के अंदर गिर गया, सॉरी द सूप इज नो मोर। तो दिखने में काफी क्रिस्पी और टेक्सचर भी अच्छा है। तो लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट। जो मसाले की कोटिंग है काफी अच्छे से, आई मीन गार्लिक और मसाला स्पाइसेस, वो काफी अच्छे से चिकन को होल्ड किया है। और जब माउथ के अंदर जाता है बोले ना पानी और फास्ट में मुंह के अंदर छूटने लगता है। समझ बोलो यार, आज मैं नहीं खा पा। बाय द वे इसका आज बैड लक मंडे मंडे, बट हम तो एनी टाइम नॉन वेजिटेरियन है और ये भी नॉन वेज भी। तो माउंटेन चिकन चिल्ली खाने के बाद अब हम ट्राई करेंगे ये मंगोलियन सूप। लाइफ में फर्स्ट टाइम मंगोलियन सूप ट्राई कर रहा हूँ, तो लेट्स गो। बाय मैनेजर किधर है? बोला मैनेजर को ना, ये रोलिंग चल रहा है। अरे वो कैमरा साइड में मैनेजर को बुला। ये सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? अरे बुलाओ। अरे बुला रहे आप, क्या हो गया? ये क्या बनाया सर जी? ये नहीं इशू। नहीं नहीं क्या बनाया गया? मंगोलियन सूप सर। आपने बनाया? नहीं नहीं, द शेफ हैज प्रिपेयर्ड। नहीं शेफ को बुलाओ, काम करो। इन्होंने नहीं बनाया, उनसे क्या बात करो? शेफ को बुलाओ। ऐसा कुछ करो मैं, ठीक है? तो इसमें जाते है आपने टेस्ट किया इसको? अच्छा फिर क्या क्या डाले इसमें? आपको बताइए वेजिटेरियन है इसने भी टेस्ट किया और नॉन वेज खाता नहीं है, तो ये बोल रहे वेज में कैसा है? बहुत अच्छा बनाया, सच में अच्छा बनाया। मैंने भी मैं नॉनवेज हमेशा नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन ये जो वेज सूप पिया ना, सच में दिल जीत लिया यार। थैंक यू थैंक यू। और इंग्रेडिएंट जो जो बोले, क्या क्या बोले आपने, क्या क्या डाले इसके अंदर? इसमें रोस्ट करना पड़ता है वेजिटेबल को, वेजिटेबल के अंदर क्या क्या है? वेजिटेबल का अंदर मशरूम है और जुगनी है, ब्रोकली है। ब्रोकली ओके, हाँ ब्रोकली मशरूम दिखा, वो लास्ट वो दिखा क्या जुगनी, उससे भी आजुगनी ओके ओके, उससे भी पहले रोस्ट करना पड़ता है इसको बॉईल पानी। नहीं काफी बेहतरीन है यार, मैं हमेशा नॉनवेज सूप पे को प्रेफर करता था, बट वेज सूप इसके कहने पे फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो और बेटर है। देखो क्या लगा, डरा रहे हो भाई तुम? चलो भैया थैंक यू सो मच, बट बहुत अच्छा खाना बना था भाई, इतना सारा टेस्ट किया तो ये भी तो अच्छा रहेगा। तो बाय द वे ये था मेन कोर्स, अब स्टार्टर बाद में जाएंगे। नहीं अभी कबाब भी जाके नीचे कबाब कॉर्नर है इस होटल को लग के, आप देखोगे इस एंट्रेंस में यहाँ पे कबाब स्ट्रीट भी है। तो एक्चुअली हम लोग जल्दी आ गए जिसके कारण पहले हमने जो मेन कोर्स है वो सब ट्राई किया। आप जाते आप नीचे लगा रहेगा ना? यस यस। तो आप नीचे आके ट्राई करते कबाब स्ट्रीट भी और आपको उसके भी रूबरू कराते। चलो करेंगे कांगड़ा कबाब और ब्रेस्टो कबाब। दोनों के फर्क ये है कि नॉर्मल कबाब से जो कांगड़ा कबाब है उसके ऊपर बीटरूट का लेयर चढ़ता है, स्मैश बीटरूट और स्पाइसी है थोड़ा, और एज यू कैन सी उसके ऊपर चीज़ का लेयर भी है। तो अब ये नॉर्मल कबाब से आई मीन टिक्का से काफ़ी बेहतरीन है। अभी कांगड़ा के बाद आते हैं, कांगड़ा के बाद आते हैं रियाना पे, दैट इज ब्रेस्टो कबाब। कंट्रोवर्शियल भी सेम, इसका भी यही कॉम्बिनेशन है, एज यू कैन सी ऊपर जो है चीज़ की लेयर है और चीज़ के लेयर के बाद जो इसके ऊपर बैटर होता है आई मीन मसाला होता है वो गाजर का स्मैश करके बनाया जाता है और सेम स्पाइसी टेस्ट में आता है थोड़ा। बहुत है दोनों खाना, बहुत है। अभी नॉर्मल कबाब तो मैं हमेशा खाता था जो नॉर्मल टिक्का होता है,
ये भी दोनों खाना बहुत है। तो योगा के बारे में बुरा लग रहा हूँ, खाता नहीं है सब। देखते क्या पसंद आया? तो अभी पसंद है। मुझे अभी मतलब इन दोनों को देख देख क्या मन कर रहा है कि कभी घर जाता हूँ वापस। सोच रहा हूँ काश ये पनीर रहता। काश ये पनीर रहता। क्या हम वेजिटेरियन के लिए यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोया चाप या पनीर टिक्का इन फ्यूचर? हमारे पास है पनीर का कबाब है, तो वेजिटेरियन लोग भी आ सकते हैं। पनीर मलाई कबाब। सेम आपको पनीर में भी मिल जाएगा। सेम फ्लेवर्स यू गेट इन पनीर आल्सो। खुश ओके। तो ऑल राइट, पूरा होटल का टूर दे दिया आपको, फूड का टूर भी दे दिया, साथ में मेरे साथ था योगा, योगा कैमरा के पीछे फिलहाल, और प्रथमेश को आप जानते हो, और राहुल भाई। राहुल भाई सबसे पहले तो थैंक्स हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी हॉस्पिटैलिटी का फैन हो गया मस्त, आई मीन खाना और हॉस्पिटैलिटी जिस तरह सब सर्व करते हैं 10 out of 10। थैंक यू। और दूसरी बात क्या बोल रहे थे? दूसरी बात, हमारे आरएस फैमिली के जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमें जो भी देख रहे हैं, हाँ, मुंबई के पास है, मुंबई के बाहर आके मुंबई में जोगेश्वरी के हाईवे के साइड आ रहे हो, तो राहुल भाई ने बोले कि अगर आप डाइन इन करने से पहले मेरा नाम लेते हैं, आरएस ब्लॉग देख के आए हैं, तो राहुल भाई बोले कि स्ट्रेट 5% आपको डिस्काउंट दे देंगे। डन बोल रहे। सो दैट वाज इट फॉर यू गाइस। एंड ऐसी कोई वीडियो, ऐसी ऑफर, अच्छे वीडियोस, फूड रिव्यूज, मोटो व्लॉग्स देखने के लिए हमारे भाई को तो आप सब्सक्राइब करके रख ही सकते हो। इन शॉर्ट बोल रहे कि सब्सक्राइब कर दो, और होप्स ऑल आपको ये फर्स्ट प्रॉपर फूड ब्लॉग पसंद आया आप सभी को। अगर पसंद आया तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, तो मैं ऐसे ही और फूड ब्लॉग आगे लाते रहूंगा। तो विद दैट सेट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय। और ये बात याद रखिए कि ये होटल 6 बजे तक सुबह खुला है। हाँ। You have no excuse not to come over here. 6 बजे तक आ सकते हो, रात को भी भूख लगी तो याद करना राहुल भाई को। और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टाटा।